Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alhayat Travel. We are travel agent in UK. और हम आपके साथ travel related information और new updates लेकर आते हैं. आज भी हम आपको एक new update देंगे कि government of Pakistan ने 21 मई से लेकर 31 मई तक की new flight schedule का ऐलान किया है. हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. चलते हैं अपडेट की तरफ. और ये अपडेट जो है ये हम आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के थ्रू दे रहे हैं. हम ट्राई करते हैं कि आपके साथ कंफर्म न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ ही शेयर करें. और हम आपको ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर लेकर आए हैं. यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्लीज़ नोट डैट स्केड्यूल फ़्लाइट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट. वो कह रहे हैं कि ये जो स्केड्यूल है ये विदाउट नोटिस चेंज हो सकता है. जो भी करंट सिचुएशन है, जो कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन है उसमें इसको वो चेंज कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं. इसलिए प्लीज़ आप लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट, पीआईए की वेबसाइट या अपने रिलेटेड एयरलाइन की वेबसाइट पर ही जाकर इसको कंफर्म कीजिएगा. और ये हम आपको जो फ्लाइट स्केड्यूल बता रहे हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था 21st ऑफ मई तक का फ़्लाइट स्केड्यूल. आज हम आपको देंगे 31st ऑफ मई तक का फ़्लाइट स्केड्यूल. और ये आपके सामने ये अराइवल्स हैं जो कि दूसरी कंट्री से पाकिस्तान फ़्लाइट्स आ रही हैं, जो जा रही हैं, जो दूसरी कंट्री से पाकिस्तान फ़्लाइट जाएंगी ये उनका अराइवल्स फ़्लाइट स्केड्यूल हम आपको दे रहे हैं. जैसे हम आपको बताते हैं कि 18 मई चाइना वुहान से इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट है, और फिर 18 मई को ही एक फ़्लाइट है USA न्यूयॉर्क से लाहौर के लिए है 250 पैसेंजर्स के साथ, और एयरलाइन होगी PIA. और फिर कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट है जी कराची के लिए है 18 मई 250 पैसेंजर्स के साथ कतर एयरवेज़. फिर कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट 18 मई को है 250 पैसेंजर्स के साथ मुल्तान के लिए. कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट मुल्तान के लिए 18 ऑफ मई 250 पैसेंजर्स के साथ. और फिर सऊदी एयरलाइन की एक फ़्लाइट है जद्दा से फैसलाबाद के लिए 18 मई 250 पैसेंजर्स के साथ. जी सऊदी अरब से जद्दा के लिए फैसलाबाद के लिए 250 पैसेंजर्स के साथ, और एयरलाइन होगी PIA. फिर UAE से फ्लाइट पेशावर के लिए है जी 18 मई को 250 पैसेंजर्स के साथ, एयरलाइन होगी PIA. ये नोट करें 18 मई UAE से पेशावर के लिए 250 पैसेंजर्स के साथ एयरलाइन PIA होगी. फिर इंडोनेशिया से इस्लामाबाद के लिए 19 ऑफ मई को फ़्लाइट होगी 250 पैसेंजर्स के साथ, एयरलाइन होगी PIA. फिर कुवैत सिटी से मुल्तान के लिए फ़्लाइट होगी 19 ऑफ मई को 140 की टू फ़्लाइट्स होंगी और एयरलाइन होगी PIA. जी नोट कीजिएगा कुवैत से मुल्तान के लिए 19 ऑफ मई को 140 की टू फ़्लाइट्स होंगी और एयरलाइन होगी PIA. फिर कतर एयरवेज़ कतर से पेशावर के लिए 19 ऑफ मई को 250 पैसेंजर के साथ, एयरलाइन होगी PIA. जी कतर से पेशावर के लिए 19 ऑफ मई 250 पैसेंजर्स, एयरलाइन होगी PIA. फिर यूएई से लाहौर के लिए 19 ऑफ मई 250 पैसेंजर्स के साथ, एयरलाइन होगी PIA. फिर यूएई से कराची के लिए 19 ऑफ मई 2020 250 पैसेंजर्स के साथ एयरलाइन UAE की होगी और 250 पैसेंजर होंगे 19 ऑफ मई. फिर यूके मैनचेस्टर से लाहौर के लिए 19 ऑफ मई कोई फ़्लाइट होगी 250 पैसेंजर्स के साथ और एयरलाइन होगी PIA. फिर शंघाई से कराची के लिए 20 ऑफ मई को 250 पैसेंजर्स के साथ PIA, एयरलाइन होगी PIA. फिर कुवैत से लाहौर के लिए 20th ऑफ मई 200 पैसेंजर्स के साथ कुवैत एयरवेज़, एयरलाइन होगी। और फिर सऊदी अरेबिया से मुल्तान के लिए 20th ऑफ मई को 250 पैसेंजर्स के साथ और एयरलाइन होगी सऊदी एयरलाइन 20th ऑफ मई मुल्तान के लिए. फिर सऊदी अरेबिया से दमाम से इस्लामाबाद के लिए होगी फ़्लाइट 21st ऑफ मई 250 पैसेंजर्स के साथ और एयरलाइन होगी PIA. फिर ओमान से लाहौर के लिए 21st ऑफ मई को फ़्लाइट होगी 140 की टू फ़्लाइट्स होंगी, एयरलाइन होगी PIA.
फिर यूएई से इस्लामाबाद के लिए, यूएई से इस्लामाबाद के लिए 21 मई 2020 250 पैसेंजर्स के साथ एयरलाइन होगी, यूएई की एयरलाइन होगी और ये 21 मई को है। फिर यूएई से फैसलाबाद के लिए, यूएई से फैसलाबाद के लिए 21 मई 140 की 2 फ्लाइट्स होंगी, एयरलाइन होंगी पीआईए। ये नोट कीजिएगा, 21 मई यूएई से फैसलाबाद के लिए पीआईए। और फिर कतर से पेशावर के लिए 21 मई 250 पैसेंजर्स के साथ एयरलाइन होगी पीआईए। कतर से पेशावर के लिए 21 मई 250 पैसेंजर्स पीआईए। और ये हम आपको पीआईए की वेबसाइट के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर यूएसए न्यूयॉर्क से लाहौर के लिए 22 मई, यूएसए न्यूयॉर्क लाहौर के लिए 22 मई 250 पैसेंजर्स के साथ और एयरलाइन होगी पीआईए। फिर यूके से इस्लामाबाद के लिए, जी नोट कीजिएगा, यूके से इस्लामाबाद के लिए 22 मई 2020 को 250 पैसेंजर्स के साथ और एयरलाइन होगी पीआईए। फिर मलाशिया से पेशावर के लिए 22 मई 250 पैसेंजर्स के साथ एयरलाइन होगी पीआईए। यूएई से फैसलाबाद के लिए 22 मई, यूएई से फैसलाबाद के लिए 22 मई 140 पैसेंजर्स के साथ एयरलाइन होगी पीआईए। फिर यूएई से कराची के लिए 22 मई 250 पैसेंजर्स के साथ एयरलाइन होगी पीआईए। फिर कतर से मुल्तान के लिए 22 मई 250 पैसेंजर्स एयरलाइन होगी पीआईए। फिर ओमान से लाहौर के लिए 22 मई 250 पैसेंजर्स एयरलाइन होगी ओमान एयरवेज। फिर यूएई से लाहौर के लिए 22 मई 200 पैसेंजर्स के साथ और एयर अरेबिया की एयरलाइन होगी और 200 पैसेंजर्स होंगे 22 मई। फिर सऊदी अरेबिया से जद्दा से कराची के लिए 23 मई 250 पैसेंजर्स के साथ एयरलाइन होगी पीआईए। फिर सोमालिया से इस्लामाबाद के लिए 23 मई 140 की 2 फ्लाइट्स होंगी और एयरलाइन होगी सलाम एयरवेज। 23 मई इस्लामाबाद के लिए सोमालिया से, यूएई से मुल्तान के लिए 23 मई 250 पैसेंजर्स के साथ यूएई एयरलाइन। फिर यूएई से फैसलाबाद के लिए 23 मई को एक और फ्लाइट होगी 140 की और 140 पैसेंजर्स होंगे और एयरलाइन होगी पीआईए। फिर चाड एथोपिया लाहौर के लिए 24 मई 150 पैसेंजर्स के साथ स्पेशल फ्लाइट। और यूएई से पेशावर के लिए 24 मई को 250 पैसेंजर के साथ पीआईए। यूएई से पेशावर के लिए 24 मई 250 पैसेंजर्स पीआईए एयरलाइन। फिर ओमान से मुल्तान के लिए 24 मई 250 पैसेंजर्स और एयरलाइन होगी पीआईए। फिर चार्टर्ड फ्लाइट होगी फैसलाबाद के लिए 25 मई 140 चार्टर, ये एक चार्टर फ्लाइट होगी। और कतर से इस्लामाबाद के लिए, ये क्लोज फ्लाइट है कतर से इस्लामाबाद के लिए 26 मई 2020 को 250 पैसेंजर्स के साथ कतर एयरलाइन। फिर यूएई से लाहौर के लिए 26 मई 250 पैसेंजर एयरलाइन होगी पीआईए। फिर सऊदी अरेबिया से कराची के लिए 26 मई 250 पैसेंजर सऊदी एयरलाइन। फिर यूएई से कराची के लिए 26 मई 250 पैसेंजर्स के साथ एयरलाइन होगी पीआईए। फिर यूएई से पेशावर के लिए 26 मई 250 पैसेंजर्स एयरलाइन होगी पीआईए 26 मई को बता रहे हैं। फिर कतर से क्लोज फ्लाइट है ये मुल्तान के लिए 26 मई को 250 पैसेंजर्स के साथ कतर एयरवेज। फिर सऊदी अरेबिया से फैसलाबाद के लिए 27 मई 140 पैसेंजर्स एयरलाइन होगी पीआईए। फिर यूएई से मुल्तान के लिए 27 मई 140 की 2 फ्लाइट्स होंगी, एयरलाइन होंगी पीआईए। यूएई से मुल्तान के लिए 2 फ्लाइट होंगी। फिर कतर से इस्लामाबाद के लिए ओपन फ्लाइट 27 मई 250 पैसेंजर्स कतर एयरलाइन, जी कतर एयरलाइन की 27 मई कतर से इस्लामाबाद के लिए। फिर सऊदी अरेबिया से कराची के लिए 27 मई 250 पैसेंजर्स के साथ पीआईए। फिर यूएई से इस्लामाबाद के लिए 28 मई 250 पैसेंजर्स और एयरलाइन होगी पीआईए 28 मई। फिर सऊदी अरेबिया से लाहौर के लिए 28 मई को 250 पैसेंजर्स और सऊदी एयरलाइन। फिर सऊदी अरेबिया से फैसलाबाद के लिए 28 मई को 140 की फ़्लाइट होगी और पीआईए एयरलाइन होगी। यूएई से मुल्तान के लिए 28 मई 250 पैसेंजर एयरलाइन होगी पीआईए।
फिर कतर एवेज पिशावर के लिए 28 मई 250 पैसेंजर के साथ एयरलाइन होगी PIA। ओमान एयरवेज ओमान से फैसलाबाद के लिए 29 मई 140 पैसेंजर्स एयरलाइन होगी PIA। फिर UAE से कराची के लिए 29 मई 250 पैसेंजर के साथ एयरलाइन होगी PIA। UAE से इस्लामाबाद के लिए 29 मई 250 पैसेंजर्स के साथ एयरलाइन होगी PIA। सऊदी अरेबिया से लाहौर के लिए 29 मई 250 पैसेंजर्स के साथ और एयरलाइन होगी सऊदी अरेबिया। फिर UAE से कराची के लिए 30 मई 250 पैसेंजर्स के साथ एयरलाइन होगी PIA। फिर UAE से इस्लामाबाद के लिए 30 मई 250 पैसेंजर्स के साथ एयरलाइन होगी PIA। कतर एयरवेज लाहौर 30 मई 250 पैसेंजर्स एयरलाइन होगी PIA। UAE से फैसलाबाद के लिए 30 मई 140 पैसेंजर्स और एयरलाइन होगी PIA। फिर UAE से मुल्तान के लिए 30 मई 250 पैसेंजर्स एयरलाइन होगी PIA। फिर UAE से पेशावर के लिए 30 मई 250 पैसेंजर एयरलाइन होगी PIA। सऊदी अरेबिया से कराची के लिए 31 मई 250 पैसेंजर एयरलाइन होगी PIA। लंदन से लाहौर के लिए 31 मई 250 पैसेंजर एयरलाइन होगी PIA। ओमान से इस्लामाबाद के लिए 31 मई 250 पैसेंजर्स और एयरलाइन होगी PIA। UAE से मुल्तान के लिए 31 मई 250 पैसेंजर्स एयरलाइन होगी PIA। फिर UAE से पेशावर के लिए 31 मई 250 पैसेंजर्स के साथ एयरलाइन होगी PIA। UAE से फैसलाबाद के लिए 31 मई 140 पैसेंजर्स और एयरलाइन होगी PIA। जी UAE से फैसलाबाद के लिए 31 मई और 140 पैसेंजर्स एयरलाइन होगी PIA। ये हमने आपको 31 मई तक अराइवल बताया है। अब हम आपको बताएंगे कि डिपार्चर्स जो पाकिस्तान से फ़्लाइट्स दूसरी कंट्री या दूसरी सिटीज़ में जाएंगी, हम अब आपको डिपार्चर बताएंगे। 18 मई से पेशावर वुहान जाएगी फ़्लाइट 18 मई को PIA। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर जाएगी 18 मई को PIA। फैसलाबाद से जड्डा जाएगी 18 मई को PIA। फैसलाबाद से जड्डा जाएगी 18 मई को PIA। इस्लामाबाद से जगार्ता जाएगी 18 मई PIA और लाहौर से दुबई जाएगी 19 मई PIA। मुल्तान से कुवैत जाएगी 19 मई PIA। पेशावर से कुवैत जाएगी 19 मई PIA। पेशावर से दोहा जाएगी 19 मई PIA। पेशावर से दोहा जाएगी 19 मई PIA और लाहौर से फ्रैंकफर्ट जाएगी 19 मई PIA। कराची से शंघाई जाएगी 20 मई PIA। इस्लामाबाद से लंदन जाएगी 20 मई PIA। लाहौर से मैनचेस्टर जाएगी 20 मई PIA। लाहौर से टोरंटो जाएगी 20 मई PIA। लाहौर से मस्कत जाएगी 21 मई PIA। लाहौर से मस्कत जाएगी 21 मई PIA। फैसलाबाद से अबू धाबी जाएगी 21 मई PIA। फैसलाबाद से अबू धाबी जाएगी 21 मई PIA। पेशावर से दोहा जाएगी 21 मई PIA और पेशावर से दोहा जाएगी 21 मई PIA। इस्लामाबाद से मिलान जाएगी 22 मई PIA। जी ये हम आपको जी हमने आपको डिपार्चर फ्लाइट्स का स्केड्यूल दिया है जो है 18 मई से 22 मई तक। ये हमने आपको डिपार्चर का स्केड्यूल दिया है और पहले हमने आपको अराइवल दिया था जो कि पाकिस्तान फ़्लाइट्स आएंगी दूसरी कंट्री से। तो ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन जो है ये हमने आपको पाकिस्तान की वेबसाइट के थ्रू दी है। हम ट्राई करते हैं कि आप लोगों को ऑथेंटिक और कंफर्म न्यूज़ ही दें। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप लोग भी प्लीज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट, PIA की वेबसाइट, अपनी रिलेटेड एयरलाइन की वेबसाइट या अपने ट्रैवल एजेंट से कॉन्टैक्ट करें, कंफर्म करें और उसके बाद अपनी जर्नी को फाइनलाइज कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। मिलते हैं
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, अलहया ट्रैवल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।